मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बार देखा कि वो हमारे लिए यानी अपनी उम्मत के लिए जो आज के हमारे हालात हैं ना, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हम यानी मेरी उनकी जो उम्मत है वो आज किन अंधेरों में जाके डूब गई है। 2015 को एक ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी आवाज़ जो थी ना वो अफसरदा थी। उन्होंने अफसरदा आवाज़ और लहजे में मुझे कहा कि कासिम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और तुम इस काम को मत छोड़ो और इस काम को करते रहो और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने फिर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जान भी हाजिर है, हमारा तो दीन अमान ही। फिर मार्च 2015 में अल्लाह ने मुझे ख्वाब में कहा कि कासिम, या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए बैठे रहो और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। और मैंने दूसरे ड्रीम्स में भी देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते हैं, कुछ ड्रीम में होता है उनको थोड़ा सा यानी गुस्सा भी आता है कि मेरी उम्मत का बात सुन क्यों नहीं रही। तो एक ड्रीम में यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन ये भी बताते हैं कि कासिम, मेरी उम्मत को ये पैगाम दे दो ताकि क़यामत के दिन मेरी उम्मत मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना दे सके कि आपने हमें कासिम के ख्वाबों के बारे में बताया ही कम था। अगर बताया होता तो हम उसके ख्वाबों पर ज़रूर यकीन करते। तो यानी यहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत मुझे कहीं क्या उनके दिन इंसान ना दे सके।